सब्सक्राइब करें हमारे इंजीनियरिंग आइडिया पॉइंट चैनल को और बेल बटन प्रेस करें फॉर न्यू वीडियो अपलोड। हम लोग आज जो बात करेंगे किसके बारे में, डिस्क ब्रेक के बारे में बात करेंगे। जो हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में, वो लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से वो वर्क करता था, क्या क्या उसमें कंटेन रहता था। तो आज हम लोग बात करेंगे डिस्क ब्रेक के बारे में, ये क्या होता है, इसमें कौन कौन सा पार्ट्स यूज होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट्स देखेंगे फॉर डिस्क ब्रेक। तो देख रहे हैं सबसे पहले मेरा क्या है, ये जो आपका दिख रहा है ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलीपर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैलीपर। जो ये ग्रीन वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, इसमें कितना, देयर आर फोर नंबर ऑफ पिस्टन यूज किया जाता है। कितना पिस्टन है, 1 2 3 4। एंड इसमें जो ब्लैक वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टन बोलते हैं, सॉरी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेक पैड बोलते हैं। ये जो है आपका, ये जो है आपका बीच में, ये क्या है, रोटर है। ठीक है, और ये क्या है आपका, एक्सल है। तो ये था जो आपका पार्ट था, अब कैसे वर्क करता है हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखें, जैसे कोई बाइक राइड कर रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है, जैसे ही कोई सामने कुछ आ गया तो वो ब्रेक अप्लाई करता है। ब्रेक अप्लाई किया तो क्या गया, जैसे ही वो ब्रेक अप्लाई किया वहां पे एक फोर्स लगाता है, तो वो फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, फ्लूइड में जो ब्रेक फ्लूइड है वहां पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और वो प्रेशर क्रिएट होने के कारण, और प्रेशर क्रिएट होने के कारण क्या होता है, वो फ्लूइड है जो मूव करता है। तो ये यहां पे हम ब्रेक फ्लूइड का बात कर रहे हैं, तो कौन सा फ्लूइड होगा, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो ये होता है इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। तो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है फ्रॉम द पास्कल्स लॉ कि जितना भी वो डायरेक्शन में जाए, जिधर भी जाए, हमेशा उसका जो प्रेशर रहेगा इक्वल होता है हर जगह पे। तो हम लोग बात करते हैं, देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है। जब ये फ्लूइड धीरे धीरे मूव किया आया तो ये आगे जाके कहां आता है, पिस्टन, सॉरी ये जाके कहां पे लगता है, पिस्टन पे आता है। तो पिस्टन कितना नंबर है, देयर आर फोर नंबर ऑफ पिस्टन है। तो फ्लूइड इधर मूव करके सारा पिस्टन पे ए क्या करता है, इक्वल प्रेशर एक्ट करता है। ठीक है, तो इक्वल प्रेशर एक्ट किया तो इसके आगे क्या लगा हुआ है, ब्रेक पैड है। तो जब यहां पे देख लीजिए, समझिए ध्यान से, ये क्या हुआ, जैसे प्रेशर एक्ट किया तो ये ब्रेक पैड था, ये जाके क्या होगा, रोटर से आपको टच करेगा। तो रोटर से जैसे ही जाके आपका टच किया, जैसे कोई मैकेनिक में रोटर, जैसे मान लीजिए दोनों ब्रेक पैड है, दोनों साइड से आया एक फोर्स लगा पिस्टन के द्वारा, तो ये क्या हुआ, ऐसे क्लोज आया। तो बीच में क्या था आपका, बीच में था रोटर। रोटर क्या है, जो आप ऐसे देखे होंगे बाइक में कि वो डिस्क टाइप का रहता है, ऐसे डिस्क रहता है, उसी को हम लोग रोटर बोलते हैं, और उसके साथ एक्सल कनेक्ट रहता है, वो व्हील से कनेक्ट होता है। तो जैसे ही पैड आके उस रोटर में टच किया तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है, उसके कारण रोटर आपका स्टॉप हो जाता है। तो रोटर को स्टॉप होने से क्या होता है, एक्सल भी स्टॉप हो जाता है, एंड एक्सल जैसे ही स्टॉप होता है तो आपका व्हील वहां पे जो चक्का था वो क्या हो गया, अब रुक गया। तो ये था मैकेनिज्म था किसका, फिक्स डिस्क ब्रेक सिस्टम का, ए मैकेनिज्म था। ठीक है, अब जो हम लोग बात कर रहे हैं इसी का पार्ट है फ्लोटिंग डिस्क ब्रेक, ये क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका सबसे फर्स्ट ये क्या है। तो सेम चीज है, इसमें भी इसको कैलिपर बोलते हैं, जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको ब्रेक फ्लूइड बोलते हैं। इसमें एक पिस्टन होता है, इसमें जो पिस्टन का नंबर है वो एक ही है। ठीक है, इसमें पैड भी दो होता है। ठीक है, बाकी सारा चीज इक्वल है। इसमें सेम चीज, इसको भी बोलते हैं रोटर, इसको क्या बोलते हैं, एक्सल, सेम कंस्ट्रक्शन है। ये भी एक्सल जाके कहां, व्हील से कनेक्ट होता है। अब इसका कैसे वर्किंग है, अब हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो इसमें भी सेम है, जैसे ही प्रेशर, जैसे ही वहां पे फोर्स लगा है ब्रेक पे, तो वहां पे वो फोर्स किस पे जाके अप्लाई किया, ब्रेक फ्लूइड पे अप्लाई किया। ब्रेक फ्लूइड पे अप्लाई किया तो इसमें क्या है, सिंगल नंबर ऑफ पिस्टन है। इसमें क्या है, सिंगल नंबर ऑफ पिस्टन है। तो सिंगल नंबर ऑफ पिस्टन है, ये आया यहाँ पे, और ये पिस्टन पे क्या किया, प्रेशर लगाया। जैसे पिस्टन पे प्रेशर लगाया तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट का जो ये आपका था, ये फर्स्ट जो पैड था, वो सिर्फ एक बार में, बस स्टार्टिंग में क्या हुआ, एक पैड जाके आपको कॉन्टेक्ट हुआ, किससे हुआ, रोटर से। ठीक है, सिर्फ वन पैड आके इससे कॉन्टेक्ट हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं। फिर जैसे ही आपका जब आके कॉन्टेक्ट हो गया, अब इसके बाद तो यहाँ पे रोटर आ गया, ये तो अब आगे नहीं पड़ेगा, तो ये पैड आके यहाँ पे फिक्स हो जाता है। एंड इसके बाद क्या होता है कि जो फ्लूइड है ये तो लगातार फोर्स लगाया जा रहा है, तो फ्लूइड है जो धीरे धीरे मूव करके आपका ए साइड में आता है। ए साइड में भी पैड है, तो फिर अब क्या होगा, ए प्रेशराइज होगा यहां से, तो इस पैड पे लगेगा। ए पैड पे लगता है तो ए पैड भी आगे आपका क्या होता है, मूव करता है। अरे पैड जाके कहां फिर आता है, ए आपका रोटर से
कॉन्टेक्ट होता है। जैसे ही रोटर से कॉन्टेक्ट होता है क्या होता है, वहां पे रोटर है जो मूव करना बंद कर देता है। तो रोटर जैसे ही मूव करना बंद करेगा तो आपका एक्सल भी बंद करेगा, और एक्सल कनेक्ट होता है व्हील से, तो उसी तरह से क्या होता है, व्हील भी बंद हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्यों दो का यूज क्यों किया, एक ही तो काफी था, या तो इसका यूज करते या तो इसका यूज करते। तो देखिए प्रॉब्लम क्या था, स्टार्टिंग में हम लोग सबसे फर्स्ट फ्लोटिंग का यूज करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इसको हम लोग देख रहे हैं तो आया यहां पे, देखिए फिक्स में ये बात था कि इसमें देयर आर नंबर ऑफ पिस्टन कितना है, फोर पिस्टन है। तो फोर पिस्टन है, इसमें क्या हो रहा है कि अगर एक दो पिस्टन अगर आपका सॉरी अगर आपका पिस्टन काम करना बंद भी कर दे तो और भी अदर पिस्टन है जो वर्क करेगा, ठीक है। फिर लेकिन बट इसमें क्या होगा फ्लोटिंग में कि आपका जैसे ही इसमें तो नंबर ऑफ पिस्टन कितना है, एक ही है, अगर ये वर्क करना बंद कर दे तो आपका ये जो पूरा फ्लोटिंग सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो ब्रेक होगा अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग ज्यादातर यूज किसको कहते हैं, फिक्स्ड ब्रेकिंग सिस्टम को ज्यादा यूज करते हैं। आपका जो केस में जितना बाइक जितना कार ये सब है वो सब में हम लोग ज्यादातर किसका यूज करते हैं, फिक्स का। एक चीज है, इसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट लगा हुआ है, ज्यादा मैकेनिज्म में, तो इसका कॉस्ट भी ज्यादा है, बट हम लोग ज्यादातर यूज किसका करते हैं, फिक्स्ड ब्रेक सिस्टम का। तो ये था पूरा आपका जो बताया आज ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम था, डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। थैंक यू, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, या न्यू वीडियो के लिए अगर कोई और सजेशन रहे तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।